जब अपनों को खोकर हम खड़े रहते हैं तभी किस्मत हमें इससे बाहर निकलने के लिए एक मौका देती है। मैं यहाँ अपनी जान की बाजी लगाकर जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो एक जान को बचाने के लिए। माँ, मैंने देखा माँ पहली दुनिया है। मेरी नाजुक उंगलियों को पकड़कर मेरे सर पर हाथ फेर कर पक्षियों के घोंसले की तरह मुझे अपनी गोद में संभाल कर रखती थी और हर रोज मुझे कहानियां सुनाती थी। बस एक निमाला। नहीं माँ, एक बार मेरा बेटा। क्या हाथी का खिलौना? बहुत अच्छा है माँ, क्या मुझे ऐसा ही बड़ा खिलौना लेकर दोगी? तुम पहले स्कूल जाओ, पढ़ लिख कर अच्छा नाम कमाओ, फिर माँ तुम्हें इससे बड़ा हाथी ला कर देगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। माँ, वो पांच भाइयों की कहानी में वो लंबा चौड़ा जो भाई होता है उसका नाम क्या है? ओ, महाभारत की बात कर रहे हो क्या? वो भीम है बेटा। भीम? उस बड़े खिलौने का नाम मैं भीम रखूंगा। सिर्फ खुशियां देने वाली मेरी माँ एक तितली की तरह चंद मिनटों में ही गायब हो गई। माँ तुम्हें कैसे पुकारती है? माँ का नाम क्या है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी को गुजरे हुए 3 महीने हो गए हैं, तब से ये लड़का ऐसे ही है। स्कूल जाने में, पढ़ाई में ये बहुत अच्छा था, खेल कूद में भी अच्छा था, पर अभी ये बहुत उदास है। मैंने अपने पहचान के सारे डॉक्टर से बात करके देख लिया, लेकिन सबका कहना है कि ये ठीक नहीं होगा। इसे देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपका डर मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, बचपन में इसने अपनी माँ को मरते हुए देखा था, ये उसी का असर है। इसे ठीक कर सकते हैं ना डॉक्टर? ये कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज किया जाए, मानसिक तनाव के कारण इसके दिमाग पर असर हुआ है और इसकी वजह इसकी माँ का प्यार है जो उनकी मौत के बाद इसे नहीं मिल पाया। इसलिए जो ये चाहता है उसे मिल जाएगा तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर तब तक आपको इंतजार करना होगा। मेरी जिंदगी से शब्दों का मतलब ही चला गया था, सिर्फ मौन रहना ही मेरा जीवन था। ए राजा, क्या भांजे, अगर तू इस तरह से शांत रहेगा तो कल स्कूल में कोई लड़की तुझसे बात नहीं करेगी भाई। ए, बच्चों से ऐसे बात करते हैं क्या? क्या हुआ जीजा जी, सब लोग ऐसे भाग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? गाड़ी रोक लो। सुनो, कहाँ भाग रहे हो सब लोग? साहब, हाथी खेतों में घुसकर पूरी फसल को खराब कर रहे हैं साहब। उन्होंने जो हाथी शब्द कहा था वो शब्द एक पल के लिए मुझे खुशियां देकर गया, मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी। अब ये हाथी गन्ने के खेत में नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे भला? अरे कहाँ जा रहे तू, स्कूल का टाइम हो रहा है, चल यहाँ से। राजा कहाँ गया? कहाँ गया राजा? राजा 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 राजा। अरे, 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 अर
जिस हाथी की कहानी सुनाती थी वो भी ना। तू मेरे साथ चल, मेरे घर पर रहना, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। क्यों, आ रहा है ना? हम जो चीज चाहते हैं अगर वो मिल जाए तो मानसिक तनाव दूर हो जाता है। देखिए, राजा की इच्छा है तो ऑफिसर से बात करके हाथी को एक हफ्ते के लिए अपने घर में रख लेते हैं ना। अब उसके लिए इतना पैसा खर्च करके खरीदने की आखिर क्या जरूरत है जीजा जी? नहीं नहीं, मुझे लगता है उसके आने के बाद सब कुछ। जीजा जी, आखिर खरीदने की क्या जरूरत है? वैसे ही हमें फिल्मों में पहले ही बहुत लॉस हो चुका है। पता नहीं कब कौन फाइनेंसर फोन कर दे, बहुत मचमच हो रही है। जीजा जी प्लीज, आप मेरी बात मानिए, ये ख्याल छोड़ दीजिए। भैया आप ही समझाइए। नहीं भाई साहब, मैं क्या बोलूं ही नहीं। अरे ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाहता था कि एक मिनट। हेलो, मैं सीताराम बोल रहा हूँ। सीताराम, मैं संगम बोल रहा हूँ। भाई नमस्ते। भाई मैं आपको ही फोन करने की सोच रहा था। आपने सोचा मगर किया नहीं ना। हाँ दरअसल वो मैं जरा तकलीफ में हूँ, बस 2-3 महीने में ही मैं। अरे भाई तू तकलीफ में, मुझे पता है, अभी एक लव टुडे नाम की फिल्म आई है। अरे नहीं, मैं पहले से ही आपका कर्जदार हूँ, उसे चुकाए बिना मैं कोई नई फिल्म कैसे ले लूं? अरे मैं क्या तुझसे एडवांस मांग रहा हूँ? अरे खरीद लो, जब कमाल होगे तो मैं तुमसे वसूल लूंगा। लेकिन आप। अरे भाई अगर तुम फिल्म लोगे तो और 4 लोगों को फाइनेंस कर सकते हो। मेरी तकलीफ देखकर ही कह रहा हूँ, एकदम मस्त फिल्म है, विश्वास करके ले लो, अच्छी चलेगी। ठीक है, जैसा आप कहें। हे भगवान। फाइनेंसर संगम भाई थे ना? ऊपर वाले के आशीर्वाद से जैसा मैं सोच रहा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अब बहुत जल्द मैं हाथी को खरीदने वाला हूँ।
टू बिगिन विद, ये सब कुछ सालों पहले अब्रॉड स्मगलिंग करते वक्त सीज किया हुआ सामान है। जानवरों के पार्ट्स हैं ये। इसमें हाथी के दांत, शेर की खाल, बल्कि लैन भी हाथ लगा है। इसके आगे का स्टेटमेंट लगभग क्लोज टू 25 मेट्रिक टन्स है। इसका मतलब है इसके लिए कम से कम 2500 हाथियों को मारा गया है। सर, इसके लिए कंज्यूमर कौन है? मार्केट ही बिगेस्ट कंज्यूमर है। पोचिंग इज अ ग्रेट ट्रैप। 1985 में मेल इज टू फीमेल एलिफेंट रेशियो था 1:6, जो अब हो गया है 1.2। एवरी ईयर एट लीस्ट 100 पोचिंग केसेस आर रिपोर्टेड। इसी तरह चलता रहा तो 20-30 ईयर्स में हाथियों की प्रजाति मिट जाएगी। सर, हमारे देश में ड्रग्स वेपन्स की स्मगलिंग के खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग के अगेंस्ट नहीं है क्या? एग्जैक्टली। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इन्हीं सब लूप होल्स की वजह से बहुत बड़े नेटवर्क के जरिए ये पोचर्स आसानी से बच निकलते हैं। सर, इसे बैन करने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्या? ये सब लोग बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़े पोचर्स हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा है जो साउथ इंडिया में है, दयाल। हमारी रीसेंट इंटेल से पता चला है कि दयाल वेस्टर्न रीजन में ही कहीं छुपा हुआ है। वो कहां छुपा है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। इसके लिए उसके प्रेजेंस कंफर्म करने के लिए अपने ऑफिसर्स में से एक उस एरिया के आसपास सर्वे करने के लिए भेजा जा रहा है। वी हैव टू वेट अंटिल देन। दैट्स इट फॉर द डे। यस सर। सर, आपने जिस ऑफिसर को भेजा है कौन है, मैं जान सकता हूं क्या? हाँ? आपको जो काम बोला गया आप वही कीजिए, मेरा काम मैं देख लूंगा। रुक जाओ भाई, आपकी कार है, तुरंत मुड़ जाएगी। ए भीमा, थोड़ा रास्ता छोड़ यार। भीमा, रास्ता छोड़ना। ए रास्ता छोड़ यार। ए हट यार। अच्छा ये बात है, चल पूछते हैं। मेरे वापस आने तक तू यहीं पे रहना, मैं बात करके आता हूं। वो कुछ नहीं भाई, आप गाड़ी में कुछ गलत सामान ले जा रहे हो ऐसा मेरे भीमा को शक है। और तुम लोगों का खूबसूरत चेहरा देखकर भी मुझे वही लग रहा है, इसलिए वो डाउट थोड़ा क्लियर करके। रुक जा यार। अच्छा तो ये लक्ष्मी है, हाथी ने चिल्ला के बोल दिया और तू पूछने आ गया। तुझे क्या लगता है हम दिखाएंगे क्या? Hey, 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 hey,
Hey, कौन है तू? सर 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 हम यहाँ ट्रैकिंग करने आए थे सर, इसने हाथी को सामने रखकर हमें बहुत मारा सर। ट्रैकिंग करने वाले का चेहरा देखो। ट्रैकिंग का बहाना बनाकर स्मगलिंग का सामान ले जा रहे हो? सर, 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 हमने कुछ नहीं किया सर, 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 हमने कुछ नहीं किया सर, माफ कर दो सर। हे सर, इन लोगों को गाड़ी में डालो। यस सर, चल चल चल, ले जाओ, ले चल। भाई, तुम किसी सर्विस में हो क्या? नहीं सर। डीआरआई? हाँ। तुमने इनकी पिटाई करके पकड़ा, मुझे लगा तुम पुलिस या फॉरेस्ट में हो। कौन हो तुम? राजा सर। इस जंगल का क्या? मेरा नाम राजा है सर। और ये हाथी? ये मेरा हाथी भीमा है। चलो, अपराधी तो पकड़े जा चुके हैं, बाकी मैं देख लेता हूं, तुम इसे लेकर जाओ। सर, दिन दहाड़े चेकपोस्ट क्रॉस करके बहुत ही हिम्मत से ये लोग स्मगलिंग करके जा रहे हैं, देख लीजिए इनको। ए भीमा, कौन है, कौन है? अरे कौन है, कौन है? अरे वो, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कर सकते, समझे तुम? भाई ज्योतिष के बोले बिना कुछ भी काम नहीं करते। तुमने भगवान से प्रार्थना की ना? मालिक, हे, आज कौन सा दिन है पता नहीं है क्या? गुरुवार पता है ना, जा जाके पीला टॉवल लेके आता हूं। जय हो। खुश रहो। क्या वो उठ गया? भाई, क्या नसीब मिला है इसे। ए, ये कल तक कहाँ था पता है तुम्हें? नजदीक मांगने जा रहा हूँ, चिल्ले रहे तो देना है? लगता है उस तरफ से जाऊंगा तो देगा। बढ़ाओ चाय लेके देना है? तेरी बीवी तेरे भाई के साथ भाग गई क्या रे? ये क्या सूर की लड़की को देके चाय पी रहा है? बड़ा चाय मिलेगा क्या? नहीं, नहीं लेके दे सकता। अलेक्जेंडर, बड़ा चाय लेके दोगे क्या? नहीं नहीं। जा रहे, जब तुम भिखारी को चाय नहीं पिला सकते तो तुम लोग भी गंदा पानी पियो। तुम्हारी तो क्या बोला रे तुमने? चलूंगा तो क्या उखाड़ लेगा? दीदी, बड़ा चाय मिलेगी क्या? ए, जा रहे, कोयले की आग तेरे मुंह पे फेंक दूंगी, चल जा। अरे वो कोयले की आग अपने पति के मुंह में डालना, इसका मुंह उसके लिए बराबर। कौन है भाई, क्यों दीवार की तरह खड़ा मेरे आगे? वड़ा और चाय चाहिए ना? हाँ मैं देता हूँ। मैंने लोगों से भीख मांगी तो किसी ने भी नहीं दिया, और तुझसे मैंने नहीं मांगा तो भी तू दे रहा क्या रे? करना क्या है? बोलो क्या रे? फ्लैशबैक देके तुम लोगों ने क्या सोचा? तुम लोगों को जलन हुई होगी ना? अरे भाई, एप्पल जूस है, सेहत के लिए अच्छा है भाई। ये ले जाके मेरे बाप को दे, उसके पास हार्ट नहीं है। ये क्या रे? ग्रेप्स जूस है भाई। छिलका निकाला है ना? हाँ निकाला है। ऑस्ट्रेलियन ग्रेप्स है ना? ऑस्ट्रेलियन ग्रेप्स तो नहीं मिला। अबे यहाँ ढूंढेगा तो कैसे मिलेगा? उसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा ना। एक काम कर, ऑटो लेके जाओ, ऑस्ट्रेलिया से ही लेकर के आ जा। भाई आने जाने में ही एक साल लग जाएगा। अरे जाना, जाकर लेकर आना। तेरे बाप का पैसा जा रहा है क्या? मेरे बाप का पैसा है, जा। भाई क्या रे? आपको भाई बुला रहे हैं। तेरा भाई बुला रहा था, तू जा। मुझे क्या बोल रहा है? नहीं भाई, मतलब आपके पापा जी बुला रहे हैं। ओ, माय डैड। हाँ जी। कम ऑन। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके ऊपर जानवर का दोष चल रहा है। अगर उस दोष से आपको छुटकारा पाना है तो आपके पास एक ही रास्ता है। वो इंसान भी नहीं होना चाहिए, जानवर भी नहीं होना चाहिए। दोनों का मिला जुला एक जीव हो, जिसे गोद लेकर बाल पोस कर 21 दिन तक रोज सुबह 7:30 बजे तक उसका चेहरा देखकर एक दूसरे से प्यार से बातें करोगे। बेटा 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 उसे 3 बार बोलोगे और वो तुम्हें पापा 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 3 बार बोलेगा, तो तुम्हारी कुंडली से ये दोष हमेशा के लिए पूरी तरह से चला जाएगा। डैडी, 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 बोल मेरे बेटे, बोल बेटे, बोल मेरे बेटे। मसाज के लिए, हैप्पी एंडिंग के लिए। देख, उसकी भीख मांगने की आदत जारी है क्या? हमारे नेता जिंदाबाद। है मुच्छड़, इधर इधर।
मुझे ही ना। हाँ मालिक। तो फिर नौकरानी को देखकर तू जिंदाबाद क्यों कह रहा है? आइए आइए मीडिया वाले लोग आइए। आज आप लोगों को खाने में क्या चाहिए? आप एक राजनीतिक इंसान हैं। आपकी पार्टी का चिन्ह गमछा इसके हर रोज अलग कलर का पहनते हैं। इन सब के पीछे आपको ज्योतिष का विश्वास है, क्या ये सच है सर? भगवान को मानेंगे तो भगवान है, साइंस को मानेंगे तो साइंस है। क्यों कंफ्यूज हो गए? हमारी जनता को क्या चाहिए वो पूछो ना। आपके डिपार्टमेंट के बारे में एक सवाल है सर। अभी मंत्री सभा में मीटिंग होने वाली है, आपकी पोस्ट को कंटिन्यू रखने के लिए आपको 50 करोड़ रुपए दिए हैं, क्या ये सच है? भाई आपका मुंह बहुत खुला हुआ है, तू अपना मुंह बंद रख। किसने बोला? जिसने लिया या जिसने ले कर दिया? इस घोटाले में इतना करोड़, उस घोटाले में इतना करोड़, अभी करोड़ों रुपए आप लोगों के लिए साधारण हो गया। कुछ लोगों की गलतियों की वजह से आप जैसे शरीफ लोगों से भी ऐसे सवाल पूछने पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं, ये हमारा काम है। देखा इन्हें कितनी मजबूरी में डाल दिया उन्होंने। बट आपके फॉरेस्ट मिनिस्टर बनने के बाद ही आपके डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स कह रहा है क्या? यस सर। ओहो, जनता की भलाई के लिए आप इसी डिपार्टमेंट पे रहे, हमारे चैनल की तरफ से आपसे विनती है। जनता की ख्वाहिश यही रहेगी तो ये मदन राम की भी विनती वही रहेगी। चलता हूँ मैं। हमारे नेता जिंदाबाद, हमारे नेता हमारे नेता जिंदाबाद, हमारे नेता। अरे क्या बेटी, आपने अपना नाम नहीं बताया, अपने ही मुँह से बता दो। अर्पिता सिंह। वो मुझे पता है, तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहा है। डीआरआई से मेरा कोई नाता संबंध नहीं है। ये सब पर मुझे विश्वास करने के लिए बोल रहा है तू? ये सब देख कर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा यकीन करो भाई, सच है। उस्मान भाई के पास जब मैं काम करता था, उनके माने में एक बार मैंने चोरी की और मैं फंस गया। मैं उनके पांव पकड़ कर गिर गया। मेरा विश्वास करो भाई। उसका दिल पिघल गया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वही 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 उसकी सबसे बड़ी गलती थी, माफ नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया भाई। बाद में उसे मार कर मैं उसकी जगह बैठ गया। तभी तो मैं कहता हूँ गलती की सजा मिलनी चाहिए। तुझे क्या लगता है मैं वही गलती करूंगा? सच सच बता। मुझे कुछ नहीं पता है भाई। एक्सपोर्ट कर दो इसको। डालो रेसे, डालो। अब पूरा पैक कर। भाई, हाँ, इसको कहाँ पे जाकर? तेरी तो, चल कर, हट। आशीर्वाद ले लो। आइए चरण सिंह जी। हाँ भाई। ये गन्ना और केला किस लिए? वह क्या है ना भाई, इस भीमा से आशीर्वाद लेकर जाने की वजह से अच्छी कीमत मिली, इसलिए पहला गन्ना काटते ही भीमा को देने के लिए आ गया भाई। ठीक है, दे दीजिए। ठीक है भाई। बेटा मैं जरा त्रिपुरा से होकर आता हूँ। ठीक है पापा। अरे सुनो, प्रोजेक्टर का क्या हुआ? क्यूब वाले रिपेयर करेंगे या ले जाना पड़ेगा? कल हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है, कहो तो मीटिंग कैंसिल करके मैं ही देखूं, तुमसे हो पाएगा या नहीं? बाबा छोड़िए ना, वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। आप ठीक है? क्यूब वालों का नंबर पता है ना? हाँ पता है पता है। जैसे ही काम खत्म हो जाए मुझे फोन करना। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ राजा किसका नाम है? मैं ही हूँ, क्या बात है? हम लोग कोयम्बटूर जिले के फॉरेस्ट एनिमल वेलफेयर बोर्ड से आए हैं सर। हाथियों की जनगणना के लिए हमें हाथी का डॉक्यूमेंट देखना है, क्या आप दिखा सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन क्यों मुझे बताइए ना। एलिफेंट वेलफेयर के लिए हर साल गवर्नमेंट जो कैंप चलाती है उसमें हमें आपका हाथी भी चाहिए सर, इसलिए। सर हमें भीमा का कैसे ख्याल रखना हमें पता है सर, हम देख लेंगे। ऐसा नहीं है सर, जो भी हो वो भी एक जानवर, वो आपके लिए पर हमारे घर का हिस्सा है, आप जाइए। हमें जो बोलना था वो बोल दिया। कल अगर आपके हाथी की वजह से कोई प्रॉब्लम आई तो हम आपके हाथी को जबरदस्ती अपने कैंप में लेकर जाएंगे। सर आप गवर्नमेंट ऑफिसर है इसलिए आपकी सुन रहा हूँ, वरना आपने जो बात की है ना उसके लिए मैं आपको अच्छे से सबक सिखाता। भांजे
विभूति दीजिए। हॉस्पिटल में आई हूँ, नीचे फोन रिंग हो रहा था। ओ अच्छा, आप कौन? किसी को कॉल किया था, सोचा उसी का कॉल होगा। आप कौन हैं ये बताइए। कौन मतलब? आपका नाम क्या है? मैं जननी। जननी? हेलो हेलो हेलो, वैसे फोन छोड़ने वाला लड़का नहीं है, तो झूठ मत बोलो और उसको फोन दो। मैं भला क्यों आपसे झूठ कहूंगी, किसी का फोन बज रहा था, मुझे लगा घूम गया होगा इसीलिए रिसीव किया। बात करनी है तो फोन हॉस्पिटल रिसेप्शन में देकर जाती हूँ, बात कर लेना। कौन सा हॉस्पिटल? अहिल्या हॉस्पिटल। अहिल्या हॉस्पिटल फर्स्ट फ्लोर। हेलो हैंसम। यस, मैंने तुमसे जो कहा वो बात भूलना मत। मुझसे ना बात मत करो। अरे तुलसी सुनो, बहुत ही गुस्से में जा रही है यार, अब पता नहीं इसे कैसे समझाऊं। पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद ये फैसला करना। आज मुझे क्लास में जो हुआ वो सब बताने के लिए इतनी खुशी से मैं आ रही थी, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी आंखों के सामने किसी और लड़की के साथ ई करके हंस रहे थे। अरे वो मत फेंको, वो मेरे ही दिए हुए गिफ्ट है। ए, इज्जत से पूछ रही है कौन थी वो? चिल्लाओ मत, तुम्हारी माँ आ जाएगी। अरे शौक लगेगा फिर, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कौन थी वो बताओ, कौन थी? कसम से मुझे नहीं पता, वो फोन लेकर खुद ही आई थी। अरे ऐसे बुक उठाकर नहीं मारते, सरस्वती है, सरस्वती फेल हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, मुझसे ऐसी बातें करने लगे हो? नहीं, छोड़ो। छोड़ दो बोलकर इतने करीब आ रही हो। क्या डालें, कुछ खाया क्या? क्या हुआ, बहुत डर लग रहा है, तुझे खाना दिया कि नहीं किसी ने? ये क्या हुआ? ठीक है रुक जा, मैं पापा से बात करके आता हूँ। हाँ हेलो, सुनाई दे रहा है ना? सर आप बिल्कुल मत घबराइए, लड़के के आते ही सब कुछ पता चल जाएगा सर। उसी का इंतजार कर रहा हूँ। फोन कहाँ है तेरा? पापा आइए, माफ कीजिए ध्यान नहीं दिया, और साहब का फोन भी नहीं लग रहा। मेरा फोन चार्ज नहीं है पापा। हाँ क्यों नहीं, कल फिल्म रिलीज पर है, आपको तो कई लोगों से बातें करनी होंगी, कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी, चार्जिंग तो उतरेगी। कल दोपहर तक सब कुछ तैयार हो जाएगा, क्यों भांजे? हाँ। दोपहर का शो चला हाँ, सकते हैं। बिल्कुल ना? एक ही शो है ना जी? चुप कर, कह रहा है कि एक ही शो है। 34 सालों से मेरा थिएटर चल रहा है यहाँ, एक भी दिन मैंने कोई भी शो मिस किया है क्या? उस पर मैं जिले का डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का लीडर भी हूँ। फर्स्ट शो ही कैंसल हो गया तो क्या इज्जत रहेगी मेरी? जीजा जी वो तुम दोनों ने मेरे भरोसे का यही सिला दिया है। पापा इसमें मामा की कोई गलती नहीं है, मैं ही सुबह देखकर ठीक करता हूँ ये बोलकर भूल गया था। हाँ क्यों नहीं, आपको तो भूलने की आदत है ना, आपके पास तो हजारों काम है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट भीमा है। भीमा खाया क्या, भीमा सोया क्या, भीमा खड़ा था, भीमा लेटा था, भीमा ने खुजाया क्या, ये सब जानने के बावजूद भी थिएटर का जो मैंने काम दिया वो तो मेरी गलती है, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, माफ कीजिए। पापा आपका मुझ पर गुस्सा है तो आप मुझे डांटिए, चाहे तो चार थप्पड़ मार दीजिए, बेवजह आप भीमा को क्यों बीच में ला रहे? कल थिएटर में जितनी भीड़ आती है ना उससे कहीं ज्यादा भीड़ आएगी। हाँ आएगी, शो करेक्ट चलेगा, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। चलो मामा।
हेलो, सुनाई दे रहा है क्या मालिक? हाँ, आपने जो कहा वो भीमा ने सुन लिया और खाना नहीं खा रहा। तो क्या हुआ, भीमा दुबला हो जाएगा क्या? मेरे प्यारे भीमा, एक निवाला तो खा ले बेटा। मैं कब से तेरे आगे गिड़गिड़ा रहा हूँ, मुझ पर गुस्सा है? मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, उसे डांटा है, तुझे पता नहीं है? और फिर ये भी तो सोच कि मैं उसे डांटूंगा तो वो जिम्मेदारी लेकर काम करेगा, इसलिए डांटा है। मैं भला तुझे कैसे कुछ कह सकता हूँ? तू मेरा भी तो लाडला है, तू मुझे जितना प्यार करता है उससे ज्यादा मैं तुझे करता हूँ। अरे ये सब बातें भूल जा बेटा, और ये ले खा ले इसे। बेटा मैं तेरे आगे कान पकड़ता हूँ, उठक बैठक कर रहा हूँ, अब तो मान जा, खा लेना बेटा। पैरों में दर्द होने लगा, अगर तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, कह देता हूँ। खा लेना प्यारे बेटे, ठीक है, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, देखते हैं कौन जीतता है। तू खाएगा? मान गया मान गया। ये ले खा ले। क्यूब का कुछ अता पता नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला है। पापा को देखा आपने? क्या भांजे कॉमेडी कर रहे हैं वो। भांजे मैं बोल रहा हूँ थिएटर में कल कॉमेडी ना हो जाए, ये सोच के बहुत डर लग रहा है मुझे। तुम्हारे पापा हमें पकड़ के पीट देंगे। भांजे ऐसा कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास? उसमें एक्टिंग करने वाली हीरोइन कोई आर्मी या नेवी वाली है ऐसा बोल रहे हैं ये। वो सोचकर मेरे हाथ पर कांप रहे हैं भांजे। मामा, एक बहुत ही बढ़िया आइडिया हाथ लगा। क्या बोलो तो? कल थिएटर में धूम मचेगी। बेटा यहाँ बहुत हंगामा हो रहा है। अरे भाई रुक जाओ, वो देखो थिएटर के मालिक आ गए। इधर आ। क्या है? 5 टिकट चाहिए। काउंटर उस तरफ है। अबे वो सब मेरे को पता है, तू इधर आ। क्या है ये? 5 टिकट, 10 पॉपकॉर्न, अभी क्या भी लेकर आ जा। क्या बोला? बहुत बड़ा तोप है क्या रे तू? भाई से बोलूंगा। भाई भाई उसने मुझे मारा। मार दिया? क्यों? मैंने उसे टिकट और पॉपकॉर्न के लिए बोला तो उसने मुझे मार दिया। भाई मेरा नाम बोला क्या तूने? तुम्हारा नाम बताया तो उसने बोला तुम बहुत बड़ा उल्टा हो, 4 थप्पड़ और मारा। ऐसा बोला? ए चाचा इसका क्या मतलब होता है? तुम कौन हो वो ये पूछ रहा है? ये सब अपने मन से बोल रहे हो ना? मैं उनकी अभी बैंड बजा। हाँ मामा। इधर आ, तेरी वजह से थिएटर में प्रॉब्लम है। हाँ जी। हाँ मामा। इधर अभी मिलकर आता हूँ। ठीक है। यही तुम्हारा बॉस है क्या? बोलिए भाई। मेरा नाम बताने के बावजूद भी टिकट के लिए पैसा मांगेगा? कौन है आप लोग? ए बता रहे, ओवी आर्मी के जनरल, कर्नल, कैप्टन, वाइस कैप्टन, मेजर, माइनर, सब कुछ मेरा भाई है। इसके समझ में कुछ नहीं है। ए सुन रहे बेवकूफ, हम बिरयानी की दुकान पे बिरयानी खाते हैं तो भी पैसे नहीं देते हैं, और तू हमसे थिएटर के टिकट के लिए पैसे मांगेगा? क्यों, तेरा थिएटर सील कर दूं क्या? है? जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तब तक एक काम कर, बालकनी की सीट पकड़ और पॉपकॉर्न लेके रख के आ। हाँ फिर सर जी। क्या है तू बीच में बकबक क्यों कर रहा है? बिरयानी खाकर पैसे दिए भी ना आ सकते हो। लेकिन ये मेरा थिएटर है, पैसे देकर टिकट लोगे तभी फिल्म देख सकते हो। फिर चाहे तो मंत्री का बेटा हो या किसी कोठेवाली का बेटा। अंदर जो वहाँ मौजूद है ना उसे बिग बॉस में भेजने वाला मैं ही हूँ, तुझे कुछ पता भी है? उस आदमी को बाहर आने के लिए क्यों बोला पता है? क्यों? अंदर एक बिजली के खंभे की तरह था वो, उसके कनेक्शन देना चाहता था, इसलिए मैं उसे ऐसे ही बाहर उठा लाया। और तुझे पता है किस लिए? क्यों? क्योंकि वो हीरोइन मुझसे प्यार करती है, और अगर तुझे इसका प्रूफ देखना है तो ये देख, ये रहा मेरा सही टाइम पर लेकर आए। तुम कभी सही वक्त पे अपने घर गई हो क्या? ला टिकट इधर लो, चलो निकलो यहां से, जाओ। जब हम लोग अंदर फिल्म देखेंगे तो अंदर कोई नहीं दिखेगा, चलो सबको बुलाओ। क्या रे भांजे, बेवजह में तेरे सीन में अपना सर डाल रहा है? दरबार सीन है क्या? चुपचाप एडिट कर दे, बाहर फेंक और चुपचाप अंदर आ आया बड़ा जवाब झाड़ने वाला। क्यों बे गेंडे, 120 रुपए देकर टिकट खरीदने की औकात नहीं है? बिग बॉस में वो बिजली का खंभा कौन है तुझे पता है? कौन है रे? इसने मुझे परेशान कर दिया है, करीब से देखने पर बहुत डरावा लग रहा है। ए, मंत्री का बेटा जाने बिना तूने मुझ पे हाथ उठाया ना, अब तेरे थिएटर में अच्छी फिल्म तो क्या, एक घटिया फिल्म में नहीं चलेगी बे। तेरा थिएटर अगर बंद नहीं करवाया ना तो मैं मंत्री का बेटा नहीं। तू सोडा पिएगा क्या? नहीं चाहिए बेटा, इतना मार मार के सोडा पिला रहा है। तेरा डैडी आ गए रे, तेरे थिएटर को तोड़ के तेरे थिएटर की स्क्रीन को फाड़ के तेरे थिएटर में आग नहीं लगाई ना तो मैं मंत्री की औलाद नहीं, तू देखना।
आज तेरा थिएटर बंद करवा के रहूंगा बेटे। अरे ये तूने पहले जैसी हालत क्यों बना रखी है? आप जो डेली देखते थे वो ब्यूटीफुल फेस था, इसने मार मार के मुझे एक डेड रोज बना दिया। डैडी तुमने क्या किया बेटा? अरे कुछ भी नहीं किया डैडी, मैंने तो आपका नाम बताया था। वो बोला कि तेरा बाप बड़ा बादाम है क्या, उसे छील के खीर में डाल के खा जाएगा, ऐसा बोलेगा तो क्या मैं बर्दाश्त करूंगा डैडी? मैंने बोला मेरे पापा के आने के बाद मैं थिएटर को जला के स्क्रीन को फाड़ के पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। क्या मैंने गलत कहा डैडी? सही कहा ना डैडी? जला दे क्या? हाँ यही बोल। इस बंदर को अच्छे से गर्म पानी में डालो और निकालो। बेटा वो भिखारी जो है, सॉरी मेरा बेटा, अगर उसने कुछ गलती की है तो मैं आपसे माफी। अरे आप क्यों मांग रहे हो? आपका बर्ताव देखकर ही मुझे खुशी हुई। बेटा अगर आपके थिएटर का कुछ नुकसान हुआ है तो मैं उसकी भरपाई। लॉस होने जैसा मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है सर। ठीक है सर, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं पूछिए ना सर, ये सच में आपका ही बेटा है ना? मैं चलता हूँ। ठीक है सर। हो सकता है माँ की शक्ल पे गया। चुप रहिए मामा। सर एक मिनट। क्या हुआ बेटा? हमारे थिएटर में आप पहली बार आए हैं इसलिए एक छोटी सी इज्जत। ऐसा क्या? ए भीमा। ओहो यही है भीमा क्या? ओके ओके, आपने साइज के हिसाब से इसका नाम बराबर रखा है। आइए आइए भीमा जी आइए। भीमा ए, ये अपने गांव के मंत्री हैं। अच्छा मुझे माला पहनाने को बोलो। चल पहना। लेकर जाओ, कहीं गाड़ी के ऊपर पैर ना रख दे। जी नमस्ते। अच्छा सुनो, उस दिन जो लड़की मेरे घर पर आई थी वो तुम ही हो ना? हाँ सर। तो फिर इस तरह ओवरटेक करके तुम सामने क्यों आई? आपसे मिलने के लिए सर। मुझसे मिलने के लिए? ये मेरे करीब आना चाहती है। हाँ बोलो। सर मैंने आपके नंबर पर कुछ फोटोज भेजी हैं सर। ओ, तो वो तुम ही हो क्या? सर आपके ही लोग आपका नाम इस्तेमाल करके गलत काम कर रहे हैं सर, जिससे पार्टी में आपका नाम खराब हो रहा है। आपको यही बताने के लिए मैंने वो फोटो सेंड की है सर। अच्छा सुन, आज अपना कुछ प्रोग्राम वगैरह है क्या? आज दोपहर 2 बजे किसान लोगों ने आपको मुबारकबाद देने के लिए सभा रखी सर, और उसमें आपको शामिल होना। मलिका की उम्र हो गई है यार। अबे मुबारकबाद का प्रोग्राम तुम लोग सुबह नहीं रख सकते हो क्या? राहु केतु चंद्र, देखो कल सुबह ठीक 10 बजे तुम मेरे घर पर आकर मिलो। ओके सर। अपने बीच बहुत सारे मैटर्स हैं। ओके सर। हाँ जी, तुम कूलिंग ग्लास में बहुत खूबसूरत दिखती हो। ओके सर, थैंक यू सर। नो मेंशन। चलो गाड़ी निकालो। संभल के जाना, संभल के। चलो जल्दी करो। रुक जा, उस लड़की को जाने दे, अभी तक उसे पीछे से नहीं देखा। भाई जा रहे? आप जो कर रहे हैं वो सही लग रहा है भाई। झूला हिला। भाई टाइम हो गया है, बहुत सारा काम है, बाहर भी जाना है। जाएं क्या? क्या काम है? पता नहीं भाई। वही तो, जो काम करते हो उसके बारे में पता नहीं। जीप लेकर गली गली डीजल खत्म करते रहते हो और इस वक्त तुम इसके लिए सिफारिश लेकर आए हो। चल जा यहाँ से। ऐसी बात नहीं भाई, भाई को आप प्यार से डैडी डैडी करके बुलाएंगे तो वो खुशी से बाहर जाएंगे। आज के बाद वो मेरा बाप नहीं, मैं उसका बेटा नहीं। उस आदमी के ऊपर तो मैं खुद भी गुस्सा हूँ। आप गुस्सा है? आखिर ऐसी क्या बात हो गई भाई? क्या हुआ? आज एक आदमी के सामने थिएटर में टिकट फाड़ने जैसा मुझे फाड़ दिया। ये आदमी भैंस की तरह खड़ा होकर देख रहा था वहाँ पर। वो मार रहा था वो तो ठीक, इसके अलावा इसने तो मुझे मार दिया। मेरा नाक बह रहा है और ये आदमी उसी से हाथ मिला के उसके साथ सेल्फी ले रहा था। क्या ये मेरे बाप के लायक है? तुम मेरा मेरा घर छोड़ के जाओ। 5-10 दिन बचे हैं भाई, प्लीज। मैं भी पूछने ही वाला था, जब से आया हूँ तब से 5-10 दिन बोल रहे हो तुम लोग। 10 दिन के बाद तुम लोग क्या करने वाले हो? 10 दिन के बाद आपसे तो नहीं बोलेंगे ना? है? बोलूंगा नहीं, क्यों नहीं? 10 दिन के बाद तुम मुझे कहीं और भेजने वाले हो क्या? बात क्या डैडी? बेटा तुम्हें मार खाता देखकर भला तुम्हारे डैडी को गुस्सा नहीं आएगा क्या? तुम ही बताओ कहाँ आया था? मुझे तो इतना गुस्सा आया था, दिल कर रहा था कि थिएटर की एक एक ईंट को उखाड़ कर फेंक दूं। ये देखो, ईंट उखाड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिसे मारा उसे उखाड़ो। उखाड़ सकता था लेकिन हमारी जो राजनीति का धंधा है ना, उसमें सामने से नहीं पीठ पीछे से वार किया जाता है बेटा। ओ अच्छा, तुम लोग भी उसी ग्रुप के हो? अरे सब एक ही ग्रुप है लेकिन सिर्फ कलर अलग अलग। नीचे करो तो पक्का उसे मारोगे ना? अरे तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ उसे मारूंगा। अरे वाह, आप तो एकदम वैदिक मैच की तरह से बोल रहे हो। डैडी बेटा, डैडी बेटा, डैडी साइनस है क्या आपके? अरे वो क्या है कि नाक में तेरा काला सरिया चला गया, इसीलिए मुझे कोई साइनस नहीं है। डैडी बेटा, डैडी बेटा, डैडी बेटा। एक्सक्यूज मी सर। अरे मुझे छोड़। अरे जरा सामने से।
What do you want? सर मर गए, अब सिर्फ मैं ही सर हूँ, देख लो। मिनिस्टर सर से मिलना है। मिनिस्टर? ये सुनने मेरे टकले हुए हैं। स्वीट बिगिन विद द लव इज स्वीटर देन द स्वीट्स। मेरा पापा अगर इसे छूगा तो मैं उसे दिखाता हूँ। सर मैं इधर ही बैठ। हेलो सर। वेलकम वेलकम, यू आर वेरी गुड टाइम कमिंग। सही टाइम पर आई हो। गलत टाइम पर नहीं आएंगे तो क्या करोगे? मैं देख लूंगा। क्या देख लोगे? हम दोनों अकेले में चलकर बात करते हैं। जी सर, अकेले में ले जाओ। ए इसके शोल्डर से हाथ हटा। ए इधर आ, जल्दी आ, घुटने पे बैठ। बोलिए अभी तेरे भाई का टाइम नहीं हो रहा है क्या? पर अभी तो वो मीटिंग के लिए अंदर गए ना भाई। जा इधर से, जाकर उस लड़की की इज्जत बचा वरना वो प्रॉब्लम में डाल देगी। जा। अच्छा तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है सर। इसीलिए क्लोज आ गई, एक ही डिपार्टमेंट है। सर, पर आप जितने भी अच्छे काम करते हैं उस बारे में यंगस्टर्स को पता होना चाहिए, तभी आपके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अगर आप मुझे अपना सोशल मीडिया मैनेजर रख लें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ सर। वैसे तो मुझे रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर। कल सुबह, कल सुबह ठीक 8:29 पर तुम अंदर घुसोगी तो अपना काम शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कितना स्वीट बोलती हो तुम। दयाल, उस दिन तुम्हारी गाड़ी को जिसने रोका था ना, वो सिंगाराम का रहने वाला है, नाम है राजा। उसके हाथी का नाम भीमा है। क्या नाम है उसका? राजा। राजा, मेरे भीमा, मेरे भीमा, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे। क्या बात है, क्या मसाज कर रहा है? अच्छा, मसाज तो क्या हुआ? मैं 2 दिन के लिए तुम्हें छोड़कर क्या चली गई? तुम शांति से नहीं रह सकते ना? तुल्स, मैंने क्या किया यार? तुमने उस हीरोइन के साथ जो डांस किया वो पूरे गांव ने देखा। ओहो तुलसे, तुम सीन समझे बिना ही कुछ भी बोल रही हो। अरे वो तो पुलाची आई थी। तुमने बुलाया और वो आ गई ना? अरे वो लोग पुलाची में शूटिंग के लिए आए थे। कर लिया, मैंने विश्वास कर लिया। कल एक शो कैंसिल हो जाता पता है तुम्हें, तो उनके हाथ पैर जोड़कर उनके सामने डांस किया मैंने। अब तुम्हें लाकर मैं डांस करा सकता हूँ क्या? क्या देख रही हो, तुम्हें डांस करना आता है क्या? बिल्कुल आता है, पर उसकी तरह आप बेशरम होकर सबके सामने नहीं कर सकती मैं डांस। देखो तुलसी, एक हेल्प मांगी तो उसने सोचे बिना ही अपनी हेल्प कर दी। उनके बारे में गलत मत बोलना। देखा तुमने? ए भीमा, उसके बारे में बात करते तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है। अरे भीमा एक सेकंड रुक जा यार। ए हट, बातें करे ना, वहाँ जाना, जब देखो तब करते रहते। क्या सोच रही हो तुम? जब से आई हो तब से देख रहा हूँ बस चिल्लाती जा रही हो, अभी बेवजह इसे क्यों चिल्ला रही हो? ये बेचारा जानवर है। ए सॉरी यार, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अब उसे ही गले लगा कर रोना तुम। जाना जा। क्या हुआ बे, मनाने के लिए बोल रहा है? मैं इस वक्त नहीं जा सकता, इसका हर टाइम का नखरा है। अच्छा जाके मनाऊं क्या? ए तुल, रुक जाओ ना तुलसी, तुमने भीमा को डांटा इसलिए मैंने गुस्सा किया। अरे तुम रुक क्यों नहीं रही हो? अब तो मुझे शक हो रहा है तुम सच में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो या नहीं। तो फिर तुम बेवकूफ हो क्या? मैं अर्पिता कोई नहीं, प्रियंका, दीपिका, करीना, करिश्मा, चाहे कोई भी हो, स्मिता पाटिल को भी पसंद करता हूँ, तो इसलिए तुम मुझ पर शक करोगी क्या? अरे बाप रे, कुछ तो सोच रही है, किसी भी तरह इसे आज संभाल लिया लगता है मैंने। क्या है, सॉरी बोलने वाली हो? नहीं, आज के बाद मैं झगड़ा नहीं करूंगी तुमसे। यही बात तुम हमेशा कहती हो, झगड़ा नहीं करोगी ना? सच कह रही हो, नहीं करोगी ना? सही में तुम पे विश्वास कर सकता हूँ? देख वो अकेला खड़ा है, यही अच्छा मौका है। इंजेक्शन लगा, जल्दी। पर हाथी हिल ही नहीं रहा है। कितना वजन होगा उसका?
सही से कुछ पता नहीं है। क्या हाइट है उसका? 13 फीट का होगा भाई, दिखने में बहुत भयानक लग रहा है। इसका मतलब 60 टन है। डोज को 100 ml और बढ़ा दे रे बेकूफ। हे 100 ml और बढ़ा। हाँ बढ़ाता हूँ, जल्दी कर जल्दी। ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? ए, वो इसी तरफ आ रहा है। चल चुप 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 चुप। पटाखे की आवाज कैसी है? बंद करो ये सब, बंद करो, अभी बंद करो। जिंदाबाद का प्रेसिडेंट, जिंदाबाद बलाची के सेक्रेटरी, जिंदाबाद। भाई क्या ये सब? भाई तेरे साथ से उस आदमी के साथ काम करा, तुझे आइडिया नहीं आई है? राजनीति में जम कर रहा हूँ, मुझे यही सब चीज सहन नहीं होता। तुझसे सहन नहीं हो रहा तो नारियल के पेड़ पे जाके फांसी लगा के मर जा। ए, बकवास मत कर। अरे सिंगल सेल में आ जा, ज्यादा बकवास की ना तो पूरे गांव के सामने तेरे को नचवा दूंगा। देख रहे हो? अरे 8 दिन ही बाकी है। क्या भाई आप भी ऐसे बदल गए? आपका ये हिसाब किताब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे दिया बुझने से पहले बहुत रोशनी देता है, ये वैसा ही है। जीत आए हैं शान से, आगे भी जिएंगे शान से। आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे बताओ ना, इसी गेटर में तुम अंदर जाओगी ना तो मेरा बाप वीडियो निकाल लेगा। मेरे साथ आओ, मेरी पार्टी में जुड़ जाओ, मैं तुम्हें फीमेल नेता बना दूंगा, दिल्ली ले चलूंगा। आ जाओ। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं होगा। हाथ छोड़ो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। मैं बहुत गालियां खा चुका, कौन सी नई बात है? हाँ छोड़ो मेरा। लोबन, लोबन, लोबन का क्या मतलब है? जानते नहीं भाई? अगर उसने आपसे कहा है तो बहुत बड़ी गाली ही होगी। जो घोड़ा काबू में नहीं आता उस घोड़े को काबू में लाना ही मेरा काम है बेटे, और इस समुद्री घोड़े को तो मैं पक्का काबू में। अरे भाई कहीं आप डूब ना जाओ भाई, तू अपना मुंह बंद कर। मुझे सर से एक जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? hey, वो तुम इधर आओ। बताओ क्या बात है? अभी जो मंत्री सभा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपका डिपार्टमेंट बदल कर आपको टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने वाले हैं। ऐसा ना हो इसलिए आपको कुछ करना पड़ेगा सर। क्या भाई आपको पूछे भी ना? क्या हुआ डैडी, पद चला गया क्या? आज के बाद आपको पतंग उड़ानी पड़ेगी। तेरी मेरी पतंग उड़ी। अरे मेरी पार्टी में आ जा, जुड़ जा। पुजारी जी आपने जितने उपाय बताए भाई ने सब कुछ किए, लेकिन जो वो फॉरेस्ट मिनिस्टर का पोस्ट था उसमें थोड़ी रुकावट आ गई है। आपका राहु काल चल रहा है, इसलिए 13 साल तक आपको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद ही गुरु की दशा शुरू होगी। क्या कहा 13 साल? हाँ पुजारी जी, भाई अभी 50 साल के हो गए हैं, 13 साल के बाद क्या भाई अच्छे से काम करते रहेंगे? मैं जब तक जिंदा रहूंगा करता ही रहूंगा, लेकिन वो देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। पुजारी जी ये 13 साल की समस्या को मैं देख लूंगा, लेकिन इस मंत्री पद को कंटिन्यू रखने के लिए अगर कोई रास्ता है तो वो बताइए। अभी तो जिंदगी में मुझे बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है। ये लीजिए पुजारी जी, एक रास्ता है। गुस्सा की जगह शांति से बात कीजिए। सिर फोड़ दो ना, बदतमीज।
किसे शांति से रहने के लिए बोल रहा? सब कुछ भूल गया क्या? तू इस सीट पर कैसे आया जरा सोच कर देख, उसे याद रखना। वैसे साहब को सब कुछ याद है ये मुझे पता है। ऐसा होने के बाद भी सर आपने मेरा एरिया क्यों बदला बताइए? आपने मुझे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में क्यों डाल दिया? मदन राम, मैं ही हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट एकदम शांत है, तुम्हारे जैसे एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर आएंगे तभी जाकर ठीक होगा। ओ, एक्सपीरियंस मिनिस्टर, यहाँ पर एक भी सफेद बाल है क्या? बताइए। गुस्सा मत करो भाई। इतना सब होने के बाद भी मैं कैसे गुस्सा ना करूं? आप पलक झपकते ही चप्पल से मारोगे और उसके बाद हाथ में लड्डू भी दे दोगे? वो बात नहीं। सही है। बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरा एरिया तुरंत मेरे हाथ में आना चाहिए, वरना आप अभी सीएम हो उसके बाद एक सीएम बन जाओगे, याद रखिएगा। क्या धमकी दे रहे हो? हाँ सर। पूरे 63 एमएलए और 9 एमपी मेरे हाथ में है। पोलाची में रिसोर्ट नहीं है ऐसा मत समझना, यहाँ एक कुतुर है तो वहाँ एक तोंडा मुतुर है। मदन राम, क्या सर, ये एमपी है या एमएलए जो इतनी बात कर रहा है? इसके ऊपर कड़ी नजर रखो, जिस दिन हाथ लगा उसी दिन देख लेंगे इसे। समझ में नहीं आ रहा, मंत्री सभा में होने वाली सारी बातें वो लड़की कैसे जान लेती है? उस लड़की को फॉलो करो। ठीक है भाई। तू क्यों हंस रहा है? इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि ये खुद की बेटी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और भाई, मैंने तुझे कई बार कहा है ना, उसके बारे में बात की तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। पहले से ही परेशानी है और तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप लोग? इस वक्त बेटी कहाँ है आपको पता है क्या? कहाँ है? जरा सामने देखिए। ये थिएटर वाला लड़का है ना? अरे देखो, वो भी मेरे जैसा पीले रंग की शर्ट पहना हुआ और दिखने में भी बिल्कुल मेरे ही जैसा है। अरे भाई, तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल सेफ ही है ना? अरे रे 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 रे। देखो दोनों कैसे एक दूसरे से चिपक कर जा रहे हैं। ये क्या, तुम तो मार खा के आ गई। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ए, बाप के सामने कुछ भी बोलोगी तो कौन बाप मारे बिना छोड़ेगा? चप्पल से मारूंगी। हा? हमारी बात कर रही थी ना मैं। ठीक है, चिल्लाओ मत, बैठ जाओ। सॉरी, रिलैक्स बैठ जाओ। ये लो, पहले चाय पी लो। इस साल मेरा फाइनल ईयर है, चुपचाप आकर पापा से बात कर लेना। बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही कि ये प्यार वगैरह करने में तो एंजॉय लग रहा है, लेकिन ये शादी के बारे में सोचकर मेरा विश्वास नहीं हो रहा है। मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूं और तुम हो कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, है ना? ए, हमेशा की तरह इमोशनल मत होना यार। ओहो, अरे मेरी जान, मैंने तो बस ऐसी मजाक किया था। तुम्हें तो पता है ना मेरे बारे में, क्या करना है, शादी के बारे में बात करनी है ना? ठीक है, तुम्हारे बाप से करता हूँ मैं। हाँ बोलिए मामा। भीमा को लेकर चले गए। हमारे कहने के बावजूद वो ऑफिसर हमारा भीमा पागल है कहकर उसे अपने साथ ले गए। बेटा ये क्या कह रहे हो आप लोग? पापा, मैं कुछ भी नहीं कर सका बेटा। वो कौन थे पापा?
और भीमा को लेके कहाँ चले गए? भांजे वो मलई में है, एलिफेंट वेलफेयर कैंप में बोल रहे थे। उसे वहां लेकर के जाएंगे तभी वो ठीक होगा ऐसा बोल रहे थे वो लोग। क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। भांजे देखो सब कुछ ठीक ठाक तो है सर? मैं फिर से कह रहा हूँ ये मेरा भीमा नहीं है। ये तुम्हारा भीमा है ये नहीं, मुझे नहीं पता। हमारे हिसाब से टोकन नंबर 32 सीसी का है और मैं कुछ नहीं जानता। रेंजर साहब 4 बजे आएंगे, उनसे मिल लेना तुम। अभी जाओ तुम। चले आते हैं, बोलते हैं भीमा नहीं है, भीमा नहीं है। सर, मैं आपको याद हूं क्या सर? उस दिन आपने मेरे भीमा को देखा था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कहां सर उस दिन जंगल आखिर में। मामला क्या है पहले ये बताओ। सर इस कैंप में मेरे भीमा को लेकर आए हैं। हाँ। और दूसरे हाथी को दिखाकर बोल रहे हैं ये भीमा है। अरे ये नागराज भीना। नागराज सर यहाँ आओ। सर क्या कह रहा है ये? आंख कान हाइट वेट सब कुछ डॉक्यूमेंट में सही है सर, और ये कह रहा है कि वो इसका हाथी नहीं है। अरे ओ भाई, इसकी बातों पे तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? हमें क्यों परेशान कर रहा है? मैं अपने भीमा को लेने आया हूँ सर। लगता है आप सब मिलकर मेरे भीमा को छुपाकर कोई तो गेम खेल रहे हो। अरे क्या बकवास कर रहा है, गेम कौन खेल रहा है? मना करने पर भी हाथी को घर में पालते हो। अगर कहीं वो पागल हो जाए और लोगों की जान लेने लगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसीलिए उस हाथी को यहाँ लाकर हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ए, बाहर भेजो इसे। सर ने जो कहा तुमने सुना ना, चलो जाओ। उसे ज्यादा दिन नहीं छुपा सकते, लगता है उसे हमारे बारे में पता चल गया। जितना जल्दी हो सके हम उस हाथी को बाहर भेज देंगे तो सेफ रहेंगे। Thank you.
भांजे, तुम्हारे जाने के बाद जीजा जी वही दरवाजे पे गिर गए और बेहोश हो गए। मैं तेरे आगे कान पकड़ता हूँ, उठक बैठक कर रहा हूँ, अब तो मान जा, खा लेना बेटा। पैरों में दर्द होने लगा, अगर तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, कह देता हूँ। बीमा के चले जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। बस छोटा सा प्रोसीजर है, थोड़ा रेस्ट करेंगे, रात तक होश आ जाएगा। बीमा कहीं नहीं गया, कैंप गया, वापस आ जाएगा। कब वापस आएगा? आप अपने आप को संभालिए। हेलो, हाँ बोलिए सर। देखो पुलाची से कोई राजा नाम का आदमी है जिसके हाथी को कैंप के लिए भेजा गया था, वो लापता हो गया है। पता है कि वो कहाँ है? वो लोग वहाँ भी पहुँच गए क्या सर? उनका हाथी भीमा हमारे यहाँ पर ही है सर। लेकिन वो कह रहा है कि वो उसका हाथी नहीं है। ओके हरिहर, सारी डिटेल्स मुझे जल्दी से मेल कर दीजिए, मैं फोन रखता हूँ। ओके सर। जैसा आप सोचते हैं कैंप में हाथी को लाकर बदलना कोई साधारण सी बात नहीं होती है। नहीं सर, मेरा भांजा गया था, वहाँ भीमा नहीं है, वो लोग दूसरी हाथी दिखा रहे थे सर। एक मिनट रुकिए। ये आपके हाथी का लाइसेंस नंबर है? जी हाँ सर। हाँ सर, इस डेट पर हाथी अंदर आया था, वो कई दिनों तक अंदर रहा भी है, ट्रैक के लिए उस पर चिप भी लगाई गई। तो जैसा आप लोग सोच रहे हैं, गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे कैंप के अंदर किसी को भी लेकर जाना एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। भांजे, भांजे, इनके अनुसार हो सकता है तुमने भीमा को पहचानने में कहीं कोई गलती कर दी हो। आप ये क्या बोल रहे हो मामा, मुझे पता नहीं है अपने भीमा के बारे में, वो कैसे चलता है, कैसे खड़ा रहता है, कैसे बोलता है। मेरे भीमा की खुशबू मुझे पता नहीं है, उसकी सांस भी मुझे महसूस होती है मामा। आप भी उन्हीं की तरह बातें कर रहे हो। आप और दो तीन दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा है। वो सब जाने दो बेटा, भीमा कैसा है ये बताओ। भीमा दो दिन में आ जाएगा पापा। तुम उससे मिले क्या? मैं उससे मिला। राजा, भीमा को खोकर मैं ऐसे चुपचाप तो नहीं रह सकता। पापा को तुमने देखा ना, उनको क्या जवाब दूंगा? भीमा को मैंने खो दिया, वो वापस नहीं आएगा। इधर ही आ रहा है, जरा उसका क्या कुछ? ए, इधर आ। हाँ भाई। ये कहाँ लेकर जा रहा है? ये ट्रक में ले जा रहा है। अबे तेरी तो। इसकी कीमत क्या है? पता है तुझे? हैं? पता है तुझे? चल बता, बता। कितनी मुश्किल से मिलता है, इसे गिरा रहा है तू? हाँ? जरी तो जल्दी उठा इसे। ले जा। चल जा। नमस्ते साहब। सर नमस्ते। हाथी रेडी है क्या? उठा ले सर। हे, जरा शांति से रहे, हाथी आती चिल्लाता है।
क्या हुआ सर? अरे वो कल डीएफओ से डायरेक्ट जाके मिला। साधारण जानवर नहीं है, हाथी का मामला रिस्की है। अगर मैं फंस गया ना तो हमेशा के लिए वर्दी उतर जाएगी मेरी। क्यों सर इतना डर क्यों रहे हैं आप? सब कुछ अपने भाई देख लेंगे ना। कहाँ पर है भाई? जिंदा है तो तेरी कीमत लाखों में है, अगर तू मरेगा तो भी तेरी कीमत लाखों में है, लेकिन मुझे करोड़ों चाहिए, आप उससे भी ज्यादा दो। भगवान पलट के देखे बिना इसे ऐसे ही ले जाकर पूजा वाले घर में। ठीक है। लो भाई आ गए। हे ऑफिसर, फॉरेस्ट में ड्यूटी करने के बजाय तू यहाँ का ड्यूटी कर रहा है? 5 साल से ही जंगल में हूँ भाई, शहर में अगर ट्रांसफर हो जाता तो थोड़ा अच्छा हो जाता। अरे बेवकूफ कहीं के, जंगल में ही पैसा है। एक जमाने में 5-10 रुपए के भीख मांगने वाले लोग चंदन का व्यापार करके आजकल मिनरल वाटर पीते हैं। बिल्कुल सही है भाई। 2 बंडल इसके हाथ में दे दे। भाई रोज वाला या हरा वाला? रोज वाला एक और हरे वाला एक दे दो। तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है समझ में नहीं आया? वो मदन राम जब से काउंसलर था तब से तुम उसके साथ ही हो ना? हो कि नहीं? हुँ, हुँ। उस समय भी तुम बेनामी थे और आज भी तुम बेनामी ही हो, है ना? अगर तुम मेरे विश्वास पे उतरते हो तो उसकी कीमत क्या है पता है तुम्हें? अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक साधारण मेंबर को भी मैं काउंसलर बनाकर, एमएलए बनाकर, मंत्री बनाकर उसकी तरक्की कर सकता हूँ, और इसमें मुझे खुशी मिलती है। आप क्या बोल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब मिनिस्टर मदन राम को पार्टी से निकालकर उसे अंदर भेजने के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस चाहिए। वो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में सारी जानकारी सिर्फ आप ही के पास है। क्या हुआ सर? सीएम साहब आपसे बात कर रहे हैं और आप इतना सोच रहे हैं? समझ में आया? साथ रहने वाले के साथ विश्वासघात कैसे करूं यही सोच रहे हो ना? लेकिन मदन राम तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। तुम्हें क्या चाहिए तुम देख लो। कल अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इस बात को याद रखना, वो तुम्हें भी खत्म कर देगा। उसके बारे में अच्छे से पता है मुझे। तुमने साथ नहीं दिया तो भी उसे कैसे उठाना मैं अच्छी तरह जानता हूं। आज तक तुमने उसके साथ बहुत वफादारी की है, थोड़ा सा मेरे साथ करके देखो, उतना ही बहुत है। तुम्हारी एरिए में तुम्हें एमएलए बना दूं। लेकिन इस मंत्री पद को कंटिन्यू कराने के लिए अगर कोई और अच्छा रास्ता है तो बताइए ना। एक रास्ता है। वो तो होना ही चाहिए। अश्वमेघ गजामेघ अजापुत्रम बलिम ददादु। उस जमाने में बड़े बड़े राजा अपने देश की सीमा को आगे बढ़ाने के लिए अपने राज्य के घोड़े को अच्छी तरह से सजाकर पूरे देश में छोड़ देते थे, और आखिर में वो घोड़ा जहाँ जाकर रुकता था वहाँ तक अपनी सीमा को वो बढ़ा देते थे, और उसके बाद उसी जगह पर यज्ञ करके उस घोड़े की बलि दे देते थे। वैसा ही आपको करना होगा। ये करना बहुत जरूरी है। गजाबो का यज्ञ बहुत ही अच्छे नस्ल वाले लंबे दांत वाले हाथी की पूजा करके, और उसके बाद धरती, पानी, आसमान, हवा, आग, इस तरह की पंचभूत वाली जगह पर यज्ञ करके उस हाथी की आपको बलि देनी होगी, तभी यज्ञ संपन्न होगा। हाथी की? किसी और चीज की बलि देंगे तो नहीं चलेगा क्या? हाथी की ही देनी पड़ेगी। हाँ जी, वो भी साधारण हाथी नहीं। हाथी में कुल मिला के 8 जात, 16 पाठ और 64 क्लास हैं। उसमें भी राष्ट्रीय हाथी को लोग भगवान मानकर उससे प्रार्थना करते हैं और उसे पालते हैं। मतलब उस हाथी का सिर गजा मुक्त की तरह रहेगा। ऐसे मुख वाले हाथी को अमावस्या की रात को यज्ञ करके बलि देकर पूजा करेंगे तो आप इस देश के चक्रवर्ती बनेंगे। पूरे देश के चक्रवर्ती? समझ में नहीं आया। सीएम बनने के योग भी है आपके। सीएम?
जैसा उन्होंने बोला था वैसे हाथी को पूरे जंगल में क्या रे मिला क्या? सभी जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा भाई। इस राज्य में जंगल कम पड़ गए या जंगल में हाथी कम पड़ गए? रुदुमला, उडुमला, अनामला, पूरे जंगल का कोना कोना मैंने छान मारा है, लेकिन जैसा पुजारी ने बोला वैसा हाथी तो कहीं नहीं मिल रहा है भाई। हाँ। उस हाथी के माथे पर गजो मुक्त होगा, गजो मुक्त होगा। एक उस थिएटर वाले का हाथी भी वैसा ही है ना भाई? उठा ले उसे। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूं। नमस्ते सर। अरे तुम थिएटर वाले लड़के हो ना? जी हाँ सर। क्या हुआ बेटा इस वक्त यहाँ? बैठो बैठो, शाम के वक्त में स्विमिंग करता हूँ। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? सर मेरे हाथी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लेकर चले गए। कौन से हाथी को? थिएटर में जिसने मुझे माला पहनाया। हाँ, उसको सर। उसे क्यों उठा कर ले गए वो लोग? सर वो पागल हो गया है, बोलकर उसे उठा कर ले गए। हाँ। अंदर जाकर पूछा तो किसी और हाथी को दिखाकर बोलते कि यही भीमा है। सारे कैंप में जाकर मैंने ढूंढा सर, वो कहीं भी नहीं है, इसलिए आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। अरे बेटा तुम रो मत, चुप हो जाओ। अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गए। वो लोग उसे उठाकर क्यों ले गए? ए सुन, वो कैंप किस रेंज में आता है रे? वो भाई अरे ऐसे सर क्यों खुजा रहा है? आना मलई है ना? हाँ भाई। आना मलई रेंज में मेरे पहचान वाले बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारा हाथी तुम्हें मिल जाएगा मान लो। हमारी पूजा कब होने वाली है? अगले हफ्ते भाई। अरे अगले हफ्ते है क्या राहु केतु चंद्रमा? बेटा तुम मुझे एक हफ्ते 10 दिन तक परेशान मत करना। मैं अपना काम पूरा करने के बाद तुम्हारे हाथी को ढूंढ कर तुम्हारे हाथ में सौंपने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम चिंता मत करो और घर जाओ, मैं सब देख लूंगा। अरे कहा ना चिंता मत करो, अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अब मुझे ही देख लो। ए भाई को बाहर तक छोड़ कर आओ, सब अच्छा होगा बेटा, तुम जाओ, मैं हूं ना। ए अरे कब तक तू पानी के अंदर रहेगा? अंदर ही मर जाएगा, चल बाहर निकल। देखा मैंने उसे कैसे समझा कर भेज दिया, जरा भी अगर लेट होता ना तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता। अरे भाई ये इधर उधर घूमने के बाद आखिरकार आपके पास आ ही गया, जरा संभालिए, कोई हमारी बातें लीक कर रहा है, ध्यान दीजिए। ऐसा है ना माधव, उस थिएटर वाले लड़के का हाथी हमने उठा लिया और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे हम पर शक हो गया है। अच्छा एक बात बता, तूने किसी को तो नहीं बताया? अरे मैं कैसे भाई? वही तो, मैं तुझे नहीं जानता हूँ क्या? मैं जाल बिछाकर उस चूहे को पकड़ लूंगा, तुम जाओ। हेलो नेताजी। हाँ बोल। मदन राम ने मुझे अपनी फैक्ट्री में ले जाकर मुझसे पूछताछ की, लगता है उनको मेरे ऊपर शक हो गया है नेताजी, कहीं वो मेरे परिवार को कुछ करना दी, इससे उसका डर लग रहा है नेताजी, बहुत डर लग रहा है मुझे नेताजी। ये डर डर के जीना छोड़ दे, तूने फैसला क्या किया ये बता। मैं उनका बेनामी हूँ बोलकर मैं गवाह बन जाऊँ क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे एरिया का बहुत स्ट्रांग आदमी है वो, गलती होनी चाहिए तभी उसे डिसमिस करके अंदर करवा सकता हूँ। इसीलिए तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन पे नजर रख। अरे नेताजी तब तो वो मुझे कुछ कर देंगे नेताजी, मुझे चुप, ज्यादा बोल मत, तेरे पूरे परिवार को पुलिस सिक्योरिटी देने के लिए बोलता हूँ, मेरा काम होने दे। ठीक है ना? ठीक है नेताजी। Thank you.
पेशाब करने गया था। क्या हुआ, तुम्हारे घर के बाथरूम में पेशाब करने नहीं जा सकता? अरे उस कमलेश ने ना शराब में ज्यादा पानी मिला दिया था, इसलिए बार बार पेशाब आ रहा है यार। तू बदल कैसे गया रे? मैं तुझे माधव माधव कह के प्यार से बुलाता था और तेरे कान के अंदर बदल जा सुनाई दिया क्या रे? ऐसा कुछ नहीं भाई। क्या नहीं है? तूने अभी सीएम से फोन पर बात नहीं की? सीएम ने बोला भाई। हाँ क्या बोला उन्होंने? अपना पद मैं तुझे दे देता हूँ ये बोला। अच्छा उन्हें बोलने दो भाई, लेकिन तू मेरे घर की शादी में खाना खाएगा और उनके घर की शादी में जाकर गिफ्ट देगा क्या? मुझे माफ कर दो भाई, सीएम से बात करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। मेरे परिवार को गिरफ्त करना भाई, मैं सरेंडर हो जाता हूँ भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई। अब तू जरा अपना फेस राइट में ले ले और फेस ऊपर करके उधर देख। अरे कोई बक्से में कुछ लेकर आता दिखाई दे रहा है ना। ए ऑफिसर, जो बोला था मैंने सब याद है ना? हाँ तो फटाफट अब काम शुरू कर। क्या भाई यहाँ क्या हो रहा है, तुझे जानना है क्या? बताता हूँ, वो क्या है कि सरकार के द्वारा बैन किए हुए जानवरों के पार्ट्स की तुम स्मगलिंग कर रहे हो और इस काम में तुम्हारा साथ दे रही है तुम्हारी बेटी। नाम क्या है? Hey, बता रहे तुलसी। हाँ तुम्हारी बेटी तुलसी और तुम्हारी बीवी इंदु भी बिजनेस पार्टनर बनकर इस काम में तुम्हारे साथ है। मेरे डिपार्टमेंट के कोयम्बतूर फॉरेस्ट ऑफिसर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए बहुत दिनों से तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए थे और कल रात को, मतलब आज, तो कल रात को अचानक तुम्हारे गेस्ट हाउस में घुसकर उन लोगों ने लगभग 2 करोड़ कीमत के जानवरों के पार्ट्स को पकड़ लिया है। ये कल सुबह की ब्रेकिंग न्यूज है। क्या हुआ? जहाँ जहाँ रखना था वहाँ वहाँ तुम लोगों ने रख दिया ना? हाँ, सब कुछ वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया ना? हाँ कर लिया उन्होंने। अरे यार इसके बाद क्या होने वाला है पता है तुझे? अरे यार तू इतने सालों से मेरे साथ था फिर भी तुझे पता नहीं है तो कैसे चलेगा? मेरा नाम माधव है और मैं अपनी बेटी तुलसी को और अपनी बीवी इंदु को बहुत ही दुख से ये चिट्ठी लिख रहा हूँ और मैं ये चिट्ठी पूरे होशो हवाश में लिख रहा हूँ। मरने से पहले तो पुण्य कमाना चाहता है लेकिन कुछ तो गलत लग रहा है इसमें। वही तो। ए सुन थोड़ा पानी लेकर आ। ये आंसू के जैसा लग रहा है ना? लग रहा है। हैव ए सेफ जर्नी। हाँ ऑफिसर, सब कुछ सही से खत्म हो गया ना? कट। परफॉर्मेंस अच्छा था ना? या वन मोर चाहिए? हाँ? ये अब एक्शन बोल के फिर से तुम लोगों को बताऊं क्या? जाओ। जी जी भाई। ए चल 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 चल। तो जासूसी, हाँ जानती हो ना, बिल्ली अपने आप को बहुत चालाक समझती है और अपनी आंख बंद करके दूध पी जाती है, लेकिन दूध रखने वाले को पता होता है कि कब वो पिएगी और कैसे पिएगी। DRIA, डायरेक्टर एट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। अब मैं अपना इंटेलिजेंस तुझे बताऊं क्या? इसे लेकर जाओ और दिखाओ। चलो, चलो। जब भीमा को ढूंढ रहा था उस वक्त मेरे आसपास जो चीजें हो रही थी उन सारी घटनाओं पर शक करना शुरू किया मैंने। तभी इस आत्महत्याकांड से मेरे अंदर कई सारे सवाल उठने लग गए।
नीचे कर। मैंने उसे त्रिमूर्ति पहाड़ के पास में छोड़ा था, उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं। Thank you.
से यार, मेरी धोती में दाग लग जाएगा। क्या बेटा, बोला था ना एक हफ्ते 10 दिन रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? हाँ, अच्छा वो हाथी तुम्हारी आवाज समझता है क्या? वो तुम्हारी आवाज सुनकर आह करके चिल्ला रहा है। एक काम करते हैं, नहीं तो अपनी पूजा डिस्टर्ब हो जाएगी, इसीलिए अभी इसे उठाओ और अपनी फैक्ट्री में ले जाकर बंद कर दो, बाद में इसे देखेंगे। और उसे यानी हाथी को कंटेनर में डाल के राउंड्स लगाते रहो। अंदर चल, चल 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 चल। भेड़ियों की तरह क्या घूर रहे हो इसे? जल्दी से उठाओ, ले चलो इसे। साधारण यज्ञ नहीं लग रहा है, पर कोशिश करने के बावजूद उस जगह को मैं ढूंढ नहीं पाई। वीडियो एक बार और प्ले करना। हे ऑफिसर, हम क्या हवन मार्केट में जाकर करने वाले हैं? हमें क्या करना है लगता है इसे एक बार फिर से बताना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कंट्रोल में जो 6 जंगल हैं, उनमें से 3 जंगल में लोग आते जाते रहते हैं, पर 2 जंगलों में लोग नहीं आते, पेरनमलई और परमकुलम। वो फर्स्ट वीडियो प्ले करना। हम जहां बलि देने वाले हैं वो जगह आदिवासियों की है। पीरनमलई में ज्यादा जानवर रहते हैं, परम्बिकुलम बहुत बड़ा जंगल है, उसे पार करके जाएंगे तो केरला बॉर्डर, वहाँ होने के तो कोई चांसेस नहीं है। हम जहाँ बलि देने वाले हैं पच्चम।
के लिए टाइम नहीं है, इसे उठाकर फेंक और काम खत्म कर, समय हो गया है। अब मैं मंदिर में जाकर रहूंगा। अरे बेटा सुन बेटा, इसे मुझे छोड़ने के लिए बोल दे बेटा, समझा बेटा, मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो मैं पुजारी के झांसे में आ गया था। इंसान और जानवरों के बीच दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस धरती पर हम जैसे जीते हैं, उसी तरह जानवरों को भी जीने का पूरा हक है। शहर में जानवरों को पालने के लिए उनके ऊपर हजारों लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर जंगल में रहने वाले जानवरों पर हम रहम क्यों नहीं करते? अगर समय रहते इस मुद्दे पर सरकारों ने कड़े कानून न बनाए और उसके माध्यम से इन भोले भाले जानवरों को बचाने की कोशिश न की गई, तो आने वाले जनरेशन के लिए ये सभी जानवर सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही मिलेंगे। हमें खुश रखने के लिए ये जानवर स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी नहीं बिता पा रहे, इसीलिए ये फिल्म इन्हें समर्पित है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफिसर के जरिए पुलिस जिसे ढूंढ रही थी, उस दयाल को पनाह देने के अपराध में और हाथी की बलि देने के मामले में मिनिस्टर मदन राम को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। जानवरों की अब तुम्हें अंदर जाने से कोई नहीं बचा सकता, जेल की हवा खाते रहना। मैं आखिरी तक नहीं छोड़ूंगा, जमानत पर बाहर आकर तुझे देख लूंगा। अरे बेटी, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अरे कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ चला गया जी। वो कहाँ होंगे आपको नहीं पता ससुर जी? अभी आई। उसके कान पकड़ कर खींच कर लेकर आओ। ए, भीमा प्लीज यार, समझ जा मेरे भाई, हनीमून के लिए जा रहा हूँ, वहाँ तुझे लेकर नहीं जा सकता। नहीं, आते समय तेरे लिए भी एक जोड़ी लेकर आऊंगा। ए, सिर्फ 7 दिन में ही वापस आ जाऊंगा यार, प्लीज यार प्लीज। ए, वहाँ सब लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ इससे प्यार कर रहे हो? क्या कहा? इससे प्यार कर रहा हूँ? अरे इसे समझा रहा हूँ मैं। ओ, तो अब इसके परमिशन के बाद ही हम लोग हनीमून पर जाएंगे, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। भीमा देख यार, ये हनीमून के लिए अकेले जाने की बात कर रही है। अगर इतना ही डर है ना, तो चुपचाप चलो। अरे अरे कान छोड़ो, कान छोड़ो मेरा। सुनो ना, एक सेकंड प्लीज। चलो